वजन कर सकते हैं। तो देखो पहले हम देखते हैं कि केवी का मतलब क्या होता है और केडब्ल्यू का मतलब क्या होता है। तो देखो केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर और केडब्ल्यू का मतलब होता है किलो वाट। अभी हमें क्या करना है, केवी से केडब्ल्यू में कन्वर्जन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको कन्वर्जन करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर है 25 केवीए का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रांसफार्मर, हमारा ट्रांसफार्मर है 25 केवीए का। हमें क्या करना है, ये ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है तो उसको हमें देखना है कि वो कितना पावर लेता है। पावर मतलब क्या है, किलोवाट मतलब क्या। तो केवीए का कन्वर्जन हमें क्या करना है, किलोवाट में करना है। तो देखो केडब्ल्यू मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे kW इज इक्वल टू kVA इंटू पावर फैक्टर। अभी देखो हमें क्या करना है, 25 kVA का कन्वर्जन क्या करना है, पावर में करना है। हमने क्या लिया है, एक फॉर्मूला लिया है, हमें क्या निकालना है, kW निकालना है। मैं kW एज इट इज रख देती हूँ। kVA हमारा है 25 और हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर नॉर्मली क्या रहता है तो 0.8 या फिर वो यूनिटी रहता है। अभी हम यहाँ पे हम लेंगे 0.8, ठीक है। इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन आएगा 20, मतलब क्या हो गया, 25 केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा तो उसका पावर क्या होगा, 20 किलोवाट। इस तरह हम क्या करेंगे, ये हो गया हमने देखा 25 केवीए के लिए। अब हम क्या करेंगे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर कितनी पावर लेता है, ठीक है। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर कितनी पावर लेता है, ये अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, सेम फॉर्मूला है, केवीए इंटू पावर फैक्टर। केवीए हमारा 100 इंटू पावर फैक्टर है हमारा 0.8, तो हम हमारा केडब्ल्यू आएगा 80। इस हिसाब से क्या आया, हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी पावर कितनी होगी, 80 किलोवाट, ठीक है। यह अब हमने क्या किया, केवीए का कन्वर्जन केडब्ल्यू में किया है। अब हम क्या करेंगे, केडब्ल्यू का कन्वर्जन क्या करेंगे, केवीए में करेंगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ये फॉर्मूला एज इट इज रख देती हूँ, ये भी मैं क्या करती हूँ एज इट इज रख देती हूँ। यहाँ पे अभी हमें क्या लिया था, 22 किलोवाट, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 20 किलोवाट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है किलोवाट, हमारी पावर कितनी है, 20 है। अभी हमें क्या करना है, केवीए निकालना है, केवीए निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, केवीए एज इट इज रखा है। उसके बाद हमें पावर फैक्टर लेंगे 0.8, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, केवीए इधर एज इट इज रखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 0.8, उस हिसाब से हमारा केवीए आएगा 25, ठीक है। मतलब 20 किलोवाट के लिए हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 80 केवी के केडब्ल्यू के लिए, ठीक है। 80 केडब्ल्यू के लिए हमारा केवी कितना आता है वो देखेंगे। तो हमें क्या करना है, केवी कैलकुलेट करना है। केवी मैंने एज इट इज रखा है, पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.8, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, केवी यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 0.8, तो हमारा आंसर आएगा केवी इज इक्वल टू 100। मतलब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, केवीए का कन्वर्जन केडब्ल्यू में कर सकते हैं और केडब्ल्यू का कन्वर्जन केवीए में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम केवीए का कन्वर्जन एम्पियर में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि केवीए का कन्वर्जन किस तरह हम एम्पियर में कर सकते हैं। तो देखो हमारे ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 25 किलो वोल्ट एम्पियर। हम क्या करेंगे, सिंगल फेज के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और थ्री फेज के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पहले हम करेंगे सिंगल फेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल फेज के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमारा ट्रांसफार्मर है 25 केवीए का है, ठीक है। तो देखो अभी फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे, केवीए इज इक्वल टू वी इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज के लिए कैलकुलेट करें, इसका मतलब क्या है, हमारा वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, केवीए हमारा 25 है, 25 इज इक्वल टू वी हमारा है 220। हमें कैलकुलेट करना है करंट, इसलिए मैंने क्या किया है, करंट एज इट इज रखा है, डिवाइडेड बाय 1000। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद हमारी करंट की वैल्यू आएगी एम्पियर। अभी देखो नॉर्मली हमारा ट्रांसफार्मर कितना है, 25 किलो वोल्ट एम्पियर ये रेटिंग का है। इसका फुल लोड करंट कितना आ गया, 113.63 एम्पियर। ये हो गया हमारा फुल लोड करंट, हो गया ये क्या है, फुल लोड करंट है।
ये हो गया हमारा फुल लोड करंट। अभी हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर का हम लोड कनेक्ट करते हैं वो ऑलवेज हम क्या करते हैं 75% लोड ही कनेक्ट करते हैं, ना कि हम 100% लोड कनेक्ट करते हैं। इसलिए ये क्या हो गया हमारा 100% लोड का हो गया। अभी हमें क्या करना है 75% लोड के लिए कैलकुलेट करना है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ये वैल्यू का हम क्या करेंगे 75 के लिए कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारी वैल्यू आएगी 85.22 एम्पीयर। ये हमारा क्या हो गया 75% लोड के लिए इतना करंट हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफार्मर 25 किलो वोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर का रेटिंग होगा, तो हम क्या करते हैं 85.22 एम्पीयर इतना लोड हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल फेज के लिए। अब हम क्या करेंगे थ्री फेज के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे थ्री फेज के लिए कैलकुलेट करेंगे केवीए का कन्वर्जन एम्पीयर के लिए। तो ठीक है हमें सेम रखेंगे यहाँ पे 25 किलो वोल्ट एम्पीयर का क्या है हमारा ट्रांसफार्मर है। हम क्या करें थ्री फेज के लिए कैलकुलेट करें, इसका मतलब क्या है हमारा वोल्टेज जो है वो कितना है हमारा 415 वोल्टेज, इतना क्या है हमारा वोल्टेज है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ केवीए इज इक्वल टू वी सॉरी थ्री फेज के लिए कैलकुलेट करें इसलिए यहाँ पे रूट थ्री आएगा टू वी इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे अभी वैल्यू पुट अप करेंगे हमारा केवीए है 25, उसके बाद हमें रूट थ्री एज इट इज रखेंगे, हमारा वोल्टेज है 415, करंट एज इट इज रखेंगे और 1000। तो इसी तरह हमारी करंट की वैल्यू आ गई 34.78 एम्पीयर। ठीक है अभी ये जो 34.78 एम्पीयर ये जो है हमारा कैसा है फुल लोड करंट है। हमें क्या करना है ट्रांसफार्मर जो है हम ऑलवेज क्या करते हैं 75% लोड ही कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसका क्या करेंगे 75% लोड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी वैल्यू आएगी 34.78 इंटू 75% के लिए कैलकुलेट करें इसलिए हम क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 26.08 एम्पीयर। तो इसी तरह आज हमने क्या देखा है कि केवीए का कन्वर्जन किस तरह हम केडब्ल्यू में कर सकते हैं और वापस केडब्ल्यू का कन्वर्जन केवीए में किस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा है केवीए का कन्वर्जन हम एम्पीयर में किस तरह करते हैं सिंगल फेज के लिए भी और थ्री फेज के लिए भी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें।